फ्रेंड मैं मोहम्मद तबरेज, आप देख रहे थे एक निरीक्षित चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल से हम अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे वन क्लिक में, यानी कि हम अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड पे एक नया नया इफेक्ट कैसे लगाएंगे। तो ये सब सीखने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक का देखना पड़ेगा। और फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे देखिए रेड कलर का लिखा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, बताते छोटा सा इंट्रो के बाद। चलिए मैं आपको बता देता हूँ जो हम अपने फोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे वन क्लिक में, यानी कि हम अपने फोटो के बैकग्राउंड पे एक पे एक नया नया इफेक्ट हम कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ेगा। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना। फिलहाल मैं वो डाउनलोड करके रखा हूं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं फोटो का बैकग्राउंड चेंज करके। तो मैं एप्लीकेशन को ओपन कर दिया, और ये ओपन होने के बाद आपको देखिए कैमरा के ऊपर एक गोल सा आइकॉन आपको दिख रहा है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके सीधा आप गैलरी में चले जाइए और यहाँ से आप एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए जिसका भी आपको बैकग्राउंड चेंज करने का है। तो मैं ये वाला फ़ोटो एक ले लेता हूँ, और उसके बाद हम ये फ़ोटो को जो है क्रॉप कर लेंगे। यहाँ पे आपको जितना साइज चाहिए उतना साइज रख लीजिए, और उसमें देखिए ऊपर में राइट साइड में आपको क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। और फिर हम यहाँ पर 15-20 सेकेंड यहाँ पर इंतज़ार कर लेते हैं, और ये देखिए ये हमारा फोटो आ गया यहाँ पे, अभी प्रोसेसर खत्म हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाला ऑप्शन ब्लर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये देखिए फोटो का बैकग्राउंड जो है ब्लर हो गया, जैसा कि DSLR कैमरा में फोटो का बैकग्राउंड को जो है ब्लर कर देता है, धुंधला कर देता है, वो सेम यहाँ पे आ गया, देखिए ये हो जा रहा है। फिर हम नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, फन पे जाएंगे, तो यहाँ पे से आप एक पे एक इफेक्ट आप अपने बैकग्राउंड में लगा सकते हैं चेंज करके। ये देखिए देख लीजिए, ये देखिए कोई बोल नहीं सकता जो आपके फ़ोटो का बैकग्राउंड जो चेंज हुआ हुआ है, आपको लगेगा ऐसा जो वहीं पे हम फोटो खिंचाइए, देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है ना। एक पे एक इसमें इफेक्ट है, आप जिसमें का भी चाहे उसमें का लगा सकते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत ही सारा है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, IMM लकी पे हम जाएंगे, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे देखिए आपको चार ऑप्शन यहाँ पे मिला है, तो आप चारों में से जिसमें भी चाहिए उसमें का आप यहाँ पे से बैकग्राउंड लगा सकते हैं, देखिए। तो उसके बाद हम फिर जाएंगे ब्यूटी पे जाएंगे, तो हम ब्यूटी वाले नेक्स्ट पे ब्यूटी वाले पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे भी चेक कर लीजिए, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, बैकग्राउंड इसका एकदम चेंज हो गया, आप देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है ना। तो मैं ये फ़ोटो को मैं यहाँ पे ये बैकग्राउंड को जो मैं रखने वाला हूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस आप यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे ऐसा क्लिक कर दीजिए और ये फ़ोटो आपके गैलरी में जो सेव होके आपके गैलरी में पहुँच गया होगा, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब फिलहाल बता देता हूँ जो कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो मैं सीधा आपको प्ले स्टोर में ले चलता हूँ, और प्ले स्टोर में हम यहाँ पर लिखेंगे FAWVY, ये देखिए सबसे ऊपर में जो सॉफ्टवेयर आ रहा है, तो ये वाला सॉफ्टवेयर हम इस पर क्लिक कर देंगे, और इसके बाद आप इसका नाम देख लीजिए सही से, सॉफ्टवेयर का आइकॉन आप सही से देख लीजिए, ताकि आपको प्ले स्टोर में डाउनलोड करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको डाउनलोड करने में प्ले स्टोर में कोई दिक्कत होगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये सॉफ्टवेयर का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से एकदम आसानी से ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये सॉफ्टवेयर के अंदर से आपके फ़ोटो का बैकग्राउंड अगर चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है फिर भी नहीं हो रहा है, तो मैं एक और वीडियो ये सेम बैकग्राउंड चेंज करने का फ़ोटो का एक और वीडियो बनाया हूँ PixArt ऐप में, तो आप वो भी वीडियो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, वो भी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीख गए होंगे जो फोटो का बैकग्राउंड हमें कैसे चेंज करने का है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन घंटी को लाजिम से दबाइए ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और फ्रेंड हमें एक अच्छा सा कमेंट कीजिए जो आपको ये वीडियो कैसा लगा, सही लगा या खराब लगा, जो भी लगा आप हमें कमेंट करके आप जरूर से बताइए।